Hello everyone. So this is the second topic of our unit 3, that is the multiple intelligence theory by Howard Gardner, and it is in context with the BA program of psychology as a major. Unit 3 iska second part hai ye. First part, that is nature of intelligence, I've already covered that. So in this I'll cover the multiple intelligence theories by Howard Gardner. Acha. अब जब इंटेलिजेंस आ गई थी तब सब लोग सोच रहे थे कि इंटेलिजेंस कुछ थॉर्नडाइक कुछ कह रहा था, थॉर्नडाइक कहता है कॉमन सेंस है, जजमेंट है, पियाजे कहते हैं एबिलिटी टू अडैप्ट टू वन सराउंडिंग्स है, ठीक है. उसके अलावा फिर थॉर्नडाइक और गैरेट ने मिलकर दो चीज़ें भी दी, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट. यस, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस थी, राइट. उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी एक पूरी निकाली, दैट इज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, राइट. इसके अंदर स्टार्टिंग में इन्होंने दी थी 8 थ्योरीज, बट इवेंचुअली धीरे धीरे करके जब थिंग्स चेंज देन इन्होंने 9th वाली ऐड करी थी, दैट इज इम्पॉर्टेंट, जिसको हम अभी लास्ट में करेंगे, राइट. सो दिस थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983 बाय हार्वर्ड गार्डनर, राइट. तो फर्स्ट इसके अंदर उन्होंने पहले बताया था कि अब जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस कम्स इन वेरियस शेप्स एंड फॉर्म्स. अब ये नहीं है कि उसके सिर्फ किताब में अच्छे नंबर आ रहे तो वो इंटेलिजेंट है, या फिर वो ड्राइंग अच्छी बना रहा तो वो इंटेलिजेंट है, नो. बट लेकिन इंटेलिजेंट बहुत अलग अलग पार्ट्स में एग्जिस्ट करती है, राइट. जैसे कि विजुअल, स्पेशल, लिंग्विस्टिक, वर्बल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, इसके बहुत सारे हैं. सो द फर्स्ट इज विजुअल स्पेशल, ठीक है. तो अब इसके अंदर क्या होता है विजुअली, अब अगर मैं किसी चीज को देख रही हूँ, तो मान लो अगर मैंने कोई इतना बड़ा सर्कल में कुछ देखा, इफ आई एम लुकिंग एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, राइट, देन उस मैप ऑफ द वर्ल्ड पे क्या होगा, मैं क्या देखूंगी. अगर मैं विजुअल स्पेशल हूँ तो मैं चार्ट्स को बहुत अच्छे से नोटिस करूंगी, आई लुक एट द मैप्स, मुझे पता लग जाएगा कि ओके ये ऐसे है, ये ऐसे है, फिर ये हमारा इक्वेटर आ गया, ओके इसके अंदर ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 degree, ओके देन ऐसे ऐसे होगा, देन ऐसे ऐसे होगा. तो मैं ये क्या कर दिया, विजुअल स्पेशल, मैंने उसको विजुअली ही अपने माइंड के अंदर थिंक कर लिया, राइट, पैटर्न्स निकाल लिए. इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, आई कैन रीड एंड राइट एंड लुक आउट फॉर द पैटर्न्स. सबसे अच्छी चीज़ है इसके अंदर जितने भी लोग हैं वो एक पिक्चर को देख के, एक बड़ी पिक्चर, इमेजेस को देख के, अब अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक्स बने हुए हैं तो उन ब्लॉक्स को देख कर वो क्या करेंगे, एक पैटर्न फॉलो कर लेंगे, राइट. अब इसमें तो मान लो वो इसको ऐसे ज्वाइन करेगा, इसको ऐसे ज्वाइन करेगा, इसको ऐसे ज्वाइन करेगा, इसको ऐसे ज्वाइन करेगा, ऐसे ऐसे करते 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 इवेंचुअली ही मेक आउट फॉर समथिंग, राइट. जिससे क्या होगा, वो इवेंचुअली एक पैटर्न बन जाएगा और फिर एक इसका बिगड़ मीनिंग हो जाएगा, राइट. तो इसके जो लोग होते हैं दैट इज आर्टिस्ट, पहले तो आर्टिस्ट तो इसके अंदर डेफिनेटली होगा क्योंकि वो पैटर्न्स को नोटिस कर पा रहा है, वो सराउंडिंग्स को नोटिस कर रहा है, राइट. तो इंजीनियर, अब इंजीनियर्स क्या करते हैं, दे क्रिएट स्टफ, राइट. तो वो ऐसे पैटर्न्स को लुकआउट करते हैं, वो चार्ट्स देखते हैं, मैप्स देखते हैं, जिससे क्या होता है उनके पता लगता है कि कैसे वो कर पा रहे हैं. तो इसके जो करियर चॉइसेस है दैट इज इंजीनियर, आर्टिस्ट, उसके अलावा इतने जितने भी ये सारे के सारे हैं इसके अंदर, राइट. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन टेक एनी. उसके अलावा नेक्स्ट इज हमारा लिंग्विस्टिक वर्बल. लिंग्विस्टिक नाम से ही सुनने में लग रहा है कि लिंग्विस्टिक बोलने की बात है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, राइट. अब लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज इज मोस्टली, अब देखो सम पीपल आर नेचुरली इंट्रोवर्ट्स, उनसे इतना बोला नहीं जाएगा, दे विल टॉक टू यू बट दे वोंट टॉक टू यू फॉर सो लॉन्ग, दे वोंट बी लाइक कि ये वो बट लेकिन लिंग्विस्टिक पीपल, अब अगर आप किसी पॉलिटिशियन को देखो या आप किसी राइटर को देखो या आप किसी डिबेट करने वाले को देखो, तो वो क्या करते हैं, दे नो हाउ टू राइट, दे फॉर्म देयर स्पीच वेरी वेल, उनकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, दे स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली, उनके अंदर कोई लैक नहीं होता किसी चीज़ का, राइट. उसके अलावा वो बहुत अच्छी स्टोरीज राइट करते हैं, एंड देन रीडिंग भी बहुत अच्छी होती है. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिबेट करते हैं अच्छी, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी करते हैं. अब किसी आपने स्टोरी टेलिंग को देखा हो, स्टोरी टेलिंग के अंदर डजेंट ऑलवेज इंक्लूड कि एक बंदा बुक रीड करके चार बच्चों को सुना है, नो. बट लेकिन कभी जैसे सर्कस वाली स्टोरीज होती हैं तो वो भी बहुत अच्छी तरह से अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो लिंग्विस्टिक वर्बल, क्योंकि वो लिंग्विस्टिकली लोगों को फील करा दे, टेकिंग टू देम टू प्लेसेस, राइट. उसके अलावा इसके अंदर जो करियर चॉइसेस हैं दैट इज राइटर एंड टीचर्स, और उसके अलावा बहुत सारी, ठीक है. तो राइटर बन सकते हो आप इफ यू हैव दिस लिंग्विस्टिक वर्बल, अगर आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है. आप इसके अंदर लिंग्विस्टिकली क्या होगा, आप अपने जैसे शशि थरूर, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ शशि थरूर. अब शशि थरूर क्या करते हैं, आप उनकी इंग्लिश सुनो, उनके वर्ड्स आर सो डिफाइंड, इतने एक्सटेंडेड वोकैबुलरी है उनकी,
तो बहुत अच्छी है, जिससे इट साउंड्स वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी कॉन्फिडेंट, राइट? तो लिंग्विस्टिक वर्बल क्या करता है, जैसे शशि थरूर है, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने बुक भी लिखी है, उनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है, ही गोज टू एवरी सेकेंड, आपके इंटरव्यूज हो गया, पॉडकास्ट हो गया, कुछ हो गया, उसके अलावा स्टोरीज राइट करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइट? तो डिबेट्स में बहुत अच्छे है, स्टोरी टेलिंग, तो राइटर, टीचर, एग्जाम्पल्स, ठीक है? तो दैट इज लिंग्विस्टिक वर्बल. थर्ड इज हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल. अब लॉजिकल मैथमेटिकल सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले नंबर्स आ गए, 3, 2, 4, 5, 8, 9, इन्फिनिटी, जितने भी हैं, ठीक है? तो लॉजिकल मैथमेटिकल इज समथिंग जिसके अंदर हमारे पास एक इंसान मैथ को देखते ही ऐसे फिंगर्स पे लगा लेगा कैलकुलेशन, उसको जरूरत भी नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि उसकी मैथ्स की स्किल्स, उसने क्या करा, पैटर्न्स को रिकग्नाइज करा, उसने रीजनिंग करी, उसने अपने मेंटल रीजनिंग कर ली, नंबर्स को फॉलो करा, उसने क्या करा, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करा और ऑपरेशन लगा लिया उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने मेंटली ही अपनी प्रॉब्लम को ऐसे ठीक कर दिया, राइट? अब उसके पास जो भी चीजें आएंगी वही लॉजिकल मैथमेटिकल. इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर, दे, दीज पीपल आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनके पास बहुत अच्छी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, राइट? अगर आप इनसे बोलो कि चलो रॉकेट साइंस का कुछ पढ़ते हैं, तो दे विल बी लाइक कि हाँ चलो बहुत अच्छा है, अब इसको ऐसे कर लो, रिवर्स, इसको ये निकाल लो, वो निकालो. क्या? क्योंकि इनके पास क्या है, एबिलिटी है. ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो छोटे छोटे बेसिस पे नहीं करते, दे डोंट डू 2 + 2, 4 + 5 × 6, ये नो, दे डोंट डू दिस. इसका क्या होता है, ये अपना अलग ही अल्फा बीटा गामा पे चल रहे होता है, इनका बहुत बहुत अच्छा क्या कहते हैं, कंट्रोल होता है अपने मैथ्स पे. इसके अंदर साइंटिस्ट आते हैं, करियर चॉइसेस आर साइंटिस्ट, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट्स, आप जितने अकाउंटेंट्स देखोगे सारे के सारे, ऑल ऑफ देम क्या है, हमारे एक मैथ्स को लेके उनके टिप्स पे है, फ्रैक्शंस ले लो, डेसिमल ले लो, कुछ ले लो, राइट? इंजीनियर्स, इंजीनियर्स हमारे लॉजिकल मैथमेटिकल में भी आएंगे, हमारे विजुअल स्पेशल में भी आएंगे, और इसमें नहीं आएंगे लिंग्विस्टिक में. फोर्थ इज बॉडीली काइनेस्थेटिक हमारा इंटेलिजेंस. इसके अंदर क्या है, अब कभी आपने सर्कस या फिर किसी वीडियोस में देखा होगा कि एक आदमी है सर्कस में, वो एक बहुत बड़ी ऐसे जस्ट अ सेकेंड, वो एक बहुत बड़ी ना या रोप है ऐसे, अब इस रोप के ऊपर खड़ा होके ऐसे ऐसे खड़ा होके वो क्या कर रहा है, जंप मार रहा है, राइट? उसने जंप मार के एकदम बिल्कुल घूम गया, देन फिर आके जमीन पे लैंड हुआ, तो रोल होते होते जमीन पे एक बास्केट के अंदर चला गया, क्या कर लिया, तो ये क्या शो करा उसने, कि उसकी बॉडी के अंदर क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल है, इट्स वेरी एक्शन है, उसके अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स है, बहुत बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि स्टिफ मूवमेंट हो उसकी, राइट? उसके अंदर क्या होता है, दे हैव हाई एंड आई कोऑर्डिनेशन. अब इसके अंदर उसको पता होता है कि मैं अपने आंखों से, जैसे डांसर्स, डांसर्स कथकली आप देखो, उनकी आईज से ही आधी स्टोरीज पता लग जाती है, राइट? उसके अलावा वो क्या, अपने हैंड से डू दिस दैट दैट, ठीक है? तो क्या होता है, उनका सबसे स्ट्रेंथ जो उनकी है बॉडीली काइनेस्थेटिक की, हाई एंड सॉरी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, राइट? नेक्स्ट इनकी जो होता है, दैट इज मोटर कंट्रोल. अब मोटर स्किल्स हमारे पास दो टाइप्स की होती है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, पर मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रोस मोटर स्किल्स. फाइन मोटर स्किल्स जो हमारे, जैसे पेंसिल पकड़ना, अब मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ वो ड्रॉ करना. ग्रोस मोटर स्किल्स इज वॉकिंग, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, ठीक है? अब मोटर कंट्रोल होता है इनका, जो इनके फाइन मोटर स्किल्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट होती है. उसके अलावा दे नो हाउ टू डांस, एकदम बिल्कुल डांसिंग, जैसे एज आई टोल्ड कथकली, ठीक है? उसके अलावा सर्जन बन सकते हैं, इनके जो करियर ऑप्शंस होते हैं, ये सर्जन बन सकते हैं, दे कैन बी ग्रेट एक्टर्स, दे कैन बी अ स्कल्पचर. स्कल्पचर्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल एकदम हटा के उसको बना देते हैं, राइट? तो दैट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक्स. नेक्स्ट इज हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस. अच्छा, अब आप किसी सिंगर को देख लो, या फिर किसी आप अपने फ्रेंड के साथ बैठो, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, वो गिटार लेके बैठता है, राइट? तो वो क्या करेगा, आप उसको बोलोगे कि मैं दो बीट बजा रहा हूँ, अब इसके ऊपर तू गाना लिख, देन वो दो मिनट के अंदर अंदर गाना फॉर्म कर देगा. क्यों? क्योंकि उसका क्या है, रिदम्स एंड साउंड्स की उसको पता है, दे नो हाउ टू कैच द रिदम्स, दे नो हाउ टू लाइक मेक अ साउंड म्यूजिकल, राइट? एक साउंड के अंदर कैसे रिदम ऐड करनी है, सिंगिंग आती है उन लोगों को. प्लस इनके जो करियर ऑप्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगर एंड म्यूजिशियन, वो वोकलिस्ट होते हैं बहुत अच्छे, इसकी स्ट्रेंथ भी यही है, दे
have a very great control on their vocals, unki high pitch, low pitch, everything, right? So that is musical intelligence. Next is hamara इंटरपर्सनल. अच्छा, मैंने इससे लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि इंटेलिजेंस जब आप दूसरों की करते हो. अब इसके अंदर दो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है जिसको मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊंगी क्योंकि ये दो कंफ्यूजिंग बहुत है. ठीक है, तो अब एक होता है आप किसी हीलर से या एम्पथेटिक लोगों से या बहुत कंपैशनेट लोगों से मिलोगे तो वो क्या करते हैं, आप उनके साथ बैठो, यू गेट टू नो कि किस चीज में, मतलब इफ यू आर सैड दे विल नो, वो आपको देखते बता देंगे कि तू क्या साइड क्यों है, क्या हुआ है एंड ऑल, राइट. कुछ लोग होते हैं जो अपने थॉट्स को खुद से ही कर लेते हैं, राइट. तो पहला हम पढ़ रहे हैं, दैट इज इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल इज, अब देखो इंटर के अंदर ही आपको पता लग गया होगा, इंटर दो लोगों के बीच में. तो ये क्या करता है, दे आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस, डिजायर्स एंड इंटेंशंस. अब ये क्या कर रहा है, उनके इमोशंस, डिजायर्स, इंटेंशन सब कुछ पता कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बहुत एम्पैथेटिक बंदा है, कंपैशनेट है, राइट. इसके करियर चॉइसेस जो हो सकते हैं, दे आर साइकोलॉजिस्ट. साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, आप उसको अपने हजार दुख बताओ, वो बैठ के सुनेगा और आपको एक बहुत रीजनेट, बहुत बिल्कुल लॉजिकल आंसर देगा, ताकि आप क्या कर सको, उस पर अपने प्रॉब्लम से बाहर आके एक लॉजिकली सोच के सिचुएशन से आगे बढ़ो, राइट. तो वो क्या करेगा, साइकोलॉजिस्ट. उसके अलावा पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, बहुत सारे गांव में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे कनेक्ट विद पीपल, दे रेजोनेट विद देम. रेजोनेट मींस वो उनके साथ मिलते हैं, समझते हैं उनके, उनको अपनी तरह समझते हैं, राइट. तो ये लोग वो होते हैं बेसिकली जो दूसरों के जूते में अपना पैर रख के देखते हैं, राइट. ओके, अब ये क्या करते हैं, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट वेरी वेल. इनके स्ट्रेंथ्स बता रही हूँ, इनके स्ट्रेंथ्स है कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है. प्लस ये जिनके हिसाब, जैसे फैमिली रिलेशन हो गए, फ्रेंड्स रिलेशन हो गए, एनी रिलेशन, तो वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे से होल्ड कर पाते हैं. दे हैव अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट टू बोथ. क्यों? क्योंकि बाकी लोग होते हैं जिनको पता नहीं लगता कि सामने वाले को क्या फील हो रहा है, तो दे जस्ट ब्लैंक, राइट. बट दीज पीपल, इंटरपर्सनल पीपल, दे हैव दिस एबिलिटी टू नो अदर्स इमोशंस, तो जिसकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं, कोप कर सकते हैं, उनको कंसोल कर सकते हैं, राइट. कंफ्लिक्ट रिजॉल्व्स कंफ्लिक्ट. अब देखो जितनी भी लड़ाइयाँ होती है, मान लो कोई साइकोलॉजिस्ट है, उसके घर में लड़ाई हो गई या फिर किसी के दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई, तो वो क्या करेगा, अपनी लड़ाइयों को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेगा. वो बोलेगा कि हाँ तू भी बोल, कोई बात नहीं, तू भी बोल, बट लेकिन दोनों अपनी बातों को रखो, राइट. जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक बहुत पॉजिटिव वे में अपनी बात को एक्सप्रेस करेगा. नेक्स्ट इज, अब देखो इंटरपर्सनल इज अपनी बात को, मतलब दूसरों की बातों को समझना खुद तक. इंट्रापर्सनल इज खुद की बातों को समझना. अब मैं अपने खुद के माइंड में रहती हूँ, आई लिव इन माई ओन माइंड, लेट्स से, ठीक है. तो आई एम अवेयर ऑफ माई ओन इमोशन, वंस ओन इमोशन, ठीक है. मेरे को मेरे इमोशंस पता है कि ओके राइट नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी, ओके देन आई बी हैप्पी. अगर मेरे को सैड फील हो रहा है तो मैं सैड होंगी, मुझे खुद को पता लग जाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, राइट. मेरे को अपने इमोशंस पे क्या होगा, कंट्रोल होगा. कंट्रोल इसके अंदर कंट्रोल, लेट्स नॉट से कि बिल्कुल देयर इमोशनली स्टेबल पीपल, नो, नॉट एवरीवन इज, बट लेकिन इंट्रापर्सनल इज, उसको पता होगा कि हाँ अगर वो सैड है तो वो सैड है. उसके अलावा वो बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं जो इंट्रापर्सनल है, उनको अपनी स्टोरीज पता है, तो दे आर लाइक अपने माइंड में घूमते रहते हैं. उसके बाद दे लव एक्सप्लोरिंग बट खुद के साथ, कि मैं जाता हूँ, अगर मैं यहाँ जाऊँगी, अगर मैं मान लो पहाड़ों पे गई तो मैं वहाँ जाके देखा, देन मैंने अपनी जर्नल कर ली उस बात को कि आज मैं पहाड़ पे गई, मुझे ऐसा लगा, देन एकदम से ये आया, वो हुआ, तो आई नोटिस थिंग्स, राइट. सो इसके अंदर आप राइटर बन सकते हो. क्यों? राइटर की अगर आपने कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी या कोई इमेजिनेटिव स्टोरी भी पढ़ी होगी, तो उसके अंदर क्या होगा, दे आर वेरी, वो इमोशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं हर चीज में, राइट. थियोरिस्ट बन सकते हो. और इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, दे कैन एनालाइज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ देयर ओन. आप खुद पे कर सकते हो. अच्छा, जब व्हेन समवन इज अवेयर ऑफ देयर ओन इमोशंस, तब उसको क्या कहते हैं, जब आपको पता लग जाता है कि आपके इमोशंस क्या है, एंड देन यू आर अवेयर ऑफ इट, उसको मेटाकॉग्निशन भी कहते हैं. इट्स कॉल्ड मेटाकॉग्निशन, राइट. नेक्स्ट इज हमारा नेचुरलिस्ट. अच्छा, अब हार्वर्ड गार्डनर ने सिर्फ 8 ही बनाए थे, बट लेकिन इसके अंदर लास्ट उसने एक ऐड कर दिया था. नेचुरलिस्ट होते हैं, अब नेचर से आप कोई देखो, कोई इंसान नेचर से बहुत ज्यादा ट्यून में होगा, राइट. नेचर से ट्यून में कैसे होगा, वो लोगों, वो जाएगा तो एकदम से उसको
ये दिखेगा, वो बोलेगा कि हवा मुझसे बात कर रही है, पेड़ मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, जो बिल्कुल नेचर से इंट्यून होता है, राइट? तो दे आर इंट्यून विद नेचर, दे लव नेचर, राइट? उनको हाइकिंग बहुत पसंद है, पहाड़ों पर जाना या फिर किसी जानवरों के साथ खेलना, तो वो बहुत ज्यादा नेचुरलिस्टिक पर्सन होते हैं, राइट? दे लव एक्सप्लोरिंग, उनको नई नई जगह ट्रैवल करना पसंद है. इसके अंदर आप बायोलॉजिस्ट बन सकते हो, बायोलॉजिस्ट, उसके अंदर आप बॉटनिस्ट बन सकते हो पेड़ पौधों के लिए, आप उसके अंदर जूलॉजिस्ट बन सकते हो, आप फार्मर बन सकते हो. तो दैट इज नेचुरलिस्ट. लास्ट इज द एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस. अच्छा, अब बहुत सारे लोग होते हैं आजकल, तो एवरीवन इज अवेयर ऑफ देयर ओन डेथ, राइट? बट लेकिन जिस टाइम पे ये थ्योरी बनी थी उस टाइम पे बहुत कम था, बहुत थे बट लेकिन बहुत कम थे. तो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस बहुत रेयर एंड बहुत कम होती है. अगर आपको लगता है कि वो मेरी डेथ आने वाली है एंड ऑल, तो दैट इज नॉट एग्जिस्टेंशियल. अब एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग, मैं बताती हूँ पहले. इसका मतलब व्हेन समवन इज एंगेज्ड विद डीपर क्वेश्चंस, विद मीनिंगफुल क्वेश्चंस, कि अब इसका क्या करना है, कि अगर इसके बाद क्या होगा, कि अगर मैं एक लाइफ को देखूं, तो दे कैन सी द फार्दर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. वो बिल्कुल दूर दूर का देखेंगे, राइट? दे ड्वेल इन द डीपर लाइफ ऑफ एग्जिस्टेंस एंड क्वेश्चंस अबाउट डेथ एंड लाइफ. वो ये सोचेंगे कि लाइफ का क्या पर्पस है, डेथ का क्या पर्पस है, डेथ क्यों ही आएगी, डेथ के बाद क्या होगा. तो उनके पास क्या है, बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंशियल है. वो इधर ही किधर ही जाएंगे तो उनको उधर भी एक बहुत बिगर मीनिंग दिख जाएगा. अगर आप मेट्रो में जा रहे हो लेट्स से, तो वो मेट्रो में बैठे बैठे बोलेगा कि मेट्रो, लेट्स इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, कि मेट्रो हमारा एक लाइफ है, सीट मेरा बॉडी है, जब मैं मर जाऊंगा तो वो खत्म हो जाएगी एंड ऑल. तो मतलब ये बहुत डीप लेवल पे बातें, राइट? सी बिगर पिक्चर, दे ऑलवेज ऑलवेज लुक आउट फॉर द बिगर पिक्चर्स, राइट? इसके अंदर आप फिलोसोफर्स बन सकते हो, पास्टर बन सकते हो. जो पास्टर्स होते हैं, जो क्रिश्चियंस के अंदर, जैसे कोई भी पास्टर्स वो होते हैं जिनसे आप अपने दिल की बात कर सकते हो और वो आपको एक बड़ी मीनिंग बताएंगे उसके पीछे की. नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे ये मीनिंग हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे ये मीनिंग हो सकता है, राइट? सो दैट इज एग्जिस्टेंशियल. ओके, सो द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर इज फिनिश्ड. इसके अंदर आर्ट थे ओरिजिनली, बट लेकिन आफ्टर इसको चेंज किया गया है. और ऑल्सो दिस इंटेलिजेंस थ्योरी इज नॉट बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक टर्म्स. इसके ऊपर कोई एज सच ये स्टैम्प नहीं है कि हाँ दिस इज ट्रू, बट लेकिन सम वॉट इट इज ट्रू. ठीक है, इसको नहीं बोला गया है बट लेकिन ये बहुत ज्यादा रिनाउंस्ड, बहुत अच्छी थ्योरी है. तो फर्स्ट इज हमारा, सबसे पहले था हमारा इसके अंदर विजुअल स्पेशियल, सेकंड था हमारा लिंग्विस्टिक वाला, थर्ड था लॉजिकल मैथमेटिकल, फोर्थ बॉडीली काइनेस्थेटिक, नेक्स्ट इज म्यूजिकल, और फिर इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल. दैट्स इट. तो इसके अंदर हमारा सेकंड टॉपिक ऑफ इंटेलिजेंस इज ऑल्सो डन. नाउ वील मूव टू स्पेयरमैन एंड उसके अलावा, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.